चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। आज आपको बता दें बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे, तो उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, जहां बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नामांकन दाखिल करने के दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। रोड शो के बाद यहां पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां नामांकन दाखिल में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरत हमारे साथ लगातार बने हुए, अपडेट लेंगे। भरत, उपचुनाव का ये रण अब कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ, नामांकन का आज आखिरी दिन और बुधनी से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, उपचुनाव है और बुधनी सीट को लेकर के एक लंबा इंतज़ार था नाम को लेकर के खास तौर पर, और जब बीजेपी प्रत्याशी के रूप में रमाकांत भार्गव को जब उम्मीदवार के रूप में चुना गया, तो आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन के दिन नामांकन दाखिल किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि बीजेपी बुधनी सीट को लेकर के एक बार फिर अपनी पूरी एड़ी सी चोटी का जो ताकत है वो लगाएगी, क्योंकि पिछली बार बुधनी से खास तौर पर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान वहाँ उधर बुधनी सीट से कई बार जीत चुके हैं, और ऐसे में अब रमाकांत भार्गव को मौका दिया गया है भाजपा ने, और आज क्योंकि अंतिम दिन है नामांकन को लेकर के, तो बड़ी संख्या में जो है वहाँ पर बीजेपी के जो अधिकारी है, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता तो है ही, साथ ही जो जनप्रतिनिधि है वो तो शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस नामांकन में जो है शामिल होंगे। वहाँ पर रोड शो किया जाएगा, जनता से रोड शो के बाद जो है बड़ी जनसभा मुख्यमंत्री यहाँ पर लेंगे, और बड़ी जनसभा में मुख्यमंत्री जितनी भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य है, और बुधनी को लेकर खास तौर पर उन सभी को लेकर के यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। तो बुधनी सीट पर इस बार रमाकांत भार्गव जो है अपना नामांकन भरेंगे, और इस नामांकन के बाद चुनावी प्रक्रिया जो कि उपचुनाव को लेकर के है कांग्रेस प्रत्याशी के सामने डटकर खड़े रहेंगे, और एक इतिहास वापस जो है बीजेपी वहाँ पर बुधनी सीट पर बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन अगर सर भारतीय जनता पार्टी यहां पर नहीं छोड़ना जा रही, एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई बीजेपी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।